आप अभी बी फार्मेसी करने वाले हैं, एडमिशन लेने वाले हैं या फिर एडमिशन ले चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने बोर्ड पे देख ही लिया होगा क्या फ्यूचर आफ्टर फार्मेसी, फार्मेसी के बाद करियर स्कोप कौन से हैं, फ्यूचर आप कैसे बना सकते हैं, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स में एडमिशन लेता है तो वो यही सोच के लेता है कि उसको अपने फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है, अपने आप को वो आज से 5 साल बाद 6 साल बाद कहाँ देखना चाहता है, यही सोच के वो एडमिशन लेता है किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में। आज हम फार्मेसी के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। मेनली मैं बी फार्म को टारगेट करूँगी कि अगर आप बी फार्म करते हो तो आपको आपका फ्यूचर किस तरीके से बनाना है या फिर आप किस तरीके से फ्यूचर अपना बना सकते हो। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं बी फार्मेसी में जो एडमिशन लेते हैं। फर्स्ट वो जो कि ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है, वहाँ पे प्लेसमेंट्स प्रोवाइड नहीं करवाए जाते, अदरवाइज वहाँ पे आपको जो फैकल्टीज़ मिलती है वो भी हाई क्वालिटी के नहीं होते हैं। फैकल्टी मेंबर्स बी फार्म स्टूडेंट्स को बी फार्म वाले ही पढ़ा रहे होते हैं, कोई उन पे कार्रवाई करने वाला नहीं होता। अब एक बात बताइए, नॉलेज तो ज़रूरी होती है, अगर आप बी फार्मेसी आप कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा तभी वो आपको अच्छे से प्रैक्टिकल्स करवा पाएगा, आपको अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो आपका कवर करवा पाएगा, ये चीज़ें हो जाती हैं, राइट। तो अगर आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जिसने आपके प्लेसमेंट की ही गारंटी नहीं ली, इसका मतलब है आगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी उसकी कोई पहचान नहीं है, कहीं पर उसकी बॉन्डिंग नहीं है, तो सिर्फ वो आपको डिग्री दे सकता है, आपको ना वो नॉलेज प्रोवाइड करवा सकता है ना ही वो आपको एक बेस्ट करियर प्रोवाइड करवा सकता है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने इस टाइप के कॉलेज में एडमिशन लिया है कम फीस के चक्कर में, या फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर आपका कॉलेज है उस चक्कर में, आपके शहर में कोई आपको लो बजट में अगर कॉलेज मिल रहा है इस चक्कर में, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर में हमेशा ही करियर को लेके स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, अभी आपको अवेयर कर दे रही हूँ। अगर आपने एडमिशन ले लिया है या लेने का सोच रहे हो तो ऐसे कॉलेजेस को आपको 100% अवॉइड करना है, क्योंकि सिर्फ आपके नाम के सामने फार्मासिस्ट लगने से कुछ नहीं हो जाएगा, आपके पास कागज़ का टुकड़ा आ जाने से कुछ नहीं हो जाएगा। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाओगे। आपने अपना स्टार्टअप करना है उसमें स्टैंड नहीं कर पाओगे, कहीं आपने जॉब करनी है वहाँ स्टैंड नहीं कर पाओगे, अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं होगी तो आप एमआरशिप तक नहीं कर पाओगे, है ना। और आप फार्मेसी जैसा कोर्स करके भी 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए भी हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे, ये मैं रियलिटी बता रही हूँ। सेकेंड वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो अपने फ्यूचर को लेके हमेशा से सीरियस होते हैं, 12th स्टैंडर्ड में ही वो सोच लेते हैं कि उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, और जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट होगा 12th का वैसे ही वो फॉर्म फिल कर देंगे और उसकी पूरी प्रिपरेशन करके वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अब जब आप बेस्ट कॉलेज में गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं, देखिए प्राइवेट कॉलेजेस ज़रूरी नहीं है सारे ही बेकार हो, लेकिन वो प्राइवेट कॉलेजेस जो कि गली मोहल्लों में खुले हुए हैं या फिर जो NIRF रैंक के अंदर नहीं आते हैं या फिर जो कभी भी प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करवाने की आपको गारंटी नहीं देते हैं, ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस के भरोसे आपने अपना फ्यूचर नहीं छोड़ना है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट हैं इंडिया के अंदर, बेस्ट प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, बेस्ट आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस की भी आप अच्छे से रिसर्च करें, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानें तब एडमिशन लें, ठीक है। तो आपको बेस्ट प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं, है ना। तो बच्चे ने पहली सीढ़ी अपनी सफलता की वो पार कर ली, चढ़ ली, अब उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो पहुँच ही ऐसे कॉलेज में जाता है जहाँ का एटमोसफेयर उसे ऐसा मिलेगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सक्सेस हासिल करने की ही उसके अंदर जिज्ञासा होगी, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। एक एटमोसफेयर ज़रूरी होता है, बोलते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो वही चीज़ है, आपने हमेशा ऐसा एटमोसफेयर अपने लिए चूज़ करना है जिस एटमोसफेयर में रह के आप कुछ एक्स्ट्रा सीख सकें, आप अपनी नॉलेज एनहांस कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि हर टॉपर स्टूडेंट ही मल्टीनेशनल कंपनी में CEO या फिर मैनेजर पोस्ट पर बैठा है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट, एक लोअर स्टूडेंट अगर वो कहीं अच्छे एटमोसफेयर में रहा है, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, तो वो भी मैनेजर पोस्ट पर बैठ सकता है। तो आप लोग
ये सोच के चलो कि आप किस एटमोसफेयर में पढ़ रहे हो, कौन सा कॉलेज आप चूज कर रहे हो। जिस भी कॉलेज में एडमिशन लो, प्लीज़ ये इंश्योर करो कि वो आपके ड्रीम, जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसके एक्सेप्ट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, उनको साकार करने में वो कॉलेज आपके लिए हेल्पफुल होगा या फिर नहीं होगा, ये आप पहले ही जान लें। कम फीस के चक्कर में या फिर कॉलेज घर के पास है इसके चक्कर में कभी भी ऐसे कॉलेजेस के झांसे में नहीं फंसना है जो कि आपको सिर्फ डिग्री का लालच दे। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ गई होगी। आपका फ्यूचर करियर सब कुछ बनाना आपके हाथ में है। फ्यूचर आफ्टर फार्मेसी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जाके विजिट कर सकते हैं, राइट। चलिए, और अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, फार्मा में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारी ऐप जाके डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, विच इज़ BSP फार्मेसी ऑफिशियल। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।